पिछले दिनों एक मामला सामने आया था करनाल में, एक एससी के पीए पैसे लेते हुए नजर आए थे, आपके संज्ञान में? उसके मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं इसको देखूंगा कैसे क्या, क्योंकि एससी का बड़ा मामला है। आप हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से नगर निगम और नगर पालिका में सुधार का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साफ सिटी सेफ सिटी, हरियाणा के प्रत्येक शहर को इस नारे पर हम उतारेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं। सर, आज आप करनाल पहुंचे, क्या कुछ खास कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, देशभक्तों की पार्टी है, और अनेक समय पर जो हमारे क्रांतिकारी वीर हुए उनकी जन्म तिथियाँ, पुण्यतिथियाँ, और भी जो हमारे पूर्वज, हमारा गौरवशाली इतिहास, वीर सुभाष जी की अभी हमने जयंती मनाई, तो आज लाला लाजपत राय को की जयंती को, उनका जन्म जो है वो 157 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुआ, तो उसके नाते पूरे हरियाणा में उनकी जयंती मनाई जा रही है, और इसी निमित्त में यहाँ कार्यक्रम आया। सर, किस तरीके से नगर निगम और नगर पालिका में सुधार का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है? साफ सिटी सेफ सिटी, हरियाणा के प्रत्येक शहर को इस नारे पर हम उतारेंगे। सर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, किस तरीके की तैयारी है? 5 राज्यों के तैयारी पूरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, थोड़े दिनों के बाद आपको पता। एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों एक मामला सामने आया था करनाल में, एक एससी के पीए पैसे लेते हुए नजर आए थे, आपके संज्ञान में? उसके मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं इसको देखूंगा कैसे क्या, क्योंकि एससी का बड़ा मामला है। हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। डॉक्टर कमल गुप्ता जो आज पहुंचे अलग अलग जगह, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता जी, उन्हीं के घर पर डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी पहुंचे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुराने मित्र हैं, संबंधी हैं, लगातार संबंध बने हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे? ऐसा है कि मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, जब 96 में मैं मंत्री बना था, ये वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे, आ जाओ डिस्ट्रिक्ट प्रधान थे हिसार में, तब से मंत्री ने जाना ही होता किसी न किसी जिले में, तो मैं जाता था, मेरे को बड़ा आदर मान सम्मान भी देते थे, लेकिन मेरे इनके साथ पारिवारिक संबंध आहिस्ता आहिस्ता बनते गए, मजाक में भी, प्यार में भी, बातचीत में भी। 96 से लेकर आज तक कोई साल ऐसा नहीं होगा, दिन त्यौहार, जब मेरी कमल गुप्ता जी से बात कभी ना हुई। लोग तो एक साल याद करते हैं, दूसरे साल भूल जाते हैं, तो मेरा वो नहीं है। अब जैसे ये मंत्री बने हैं, तो बनते ही उस दिन शायद आपको ध्यान होगा, स्वामी ज्ञानानंद जी का यहाँ प्रोग्राम था, आए, कहने लगे जी मैं पहले प्रणाम मेरा ले लो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं कह ये अभी तो मैं घर नहीं हूँ, अच्छा फिर मैं आज की माफ़ी, मैंने उधर जाना है। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ इतफाक से परसों में, तो मेरी उनके पारिवारिक संबंध में ज़्यादा पॉलिटिकली इसको ना खींचना चाहता हूँ, ना कुछ कहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर कमल गुप्ता पहुँचे थे क्योंकि आज लाला लाजपत राय जी की जयंती है, जिन्होंने एक अहम जो भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, और उस कार्यक्रम में बीजेपी की तरफ से डॉक्टर कमल गुप्ता शामिल हुए थे, और साथ ही साथ 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उन पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी, चाहे यूपी के चुनाव हो, चाहे पंजाब के चुनाव हो। साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार बना रहता है, और जब उनसे पूछा गया कि करनाल में एक मामला सामने आया था जहां पर एससी का एक पीए पैसे लेता हुआ नजर आ रहा था, और एससी के खिलाफ भी जांच बैठी थी, और फिलहाल वो जांच की रिपोर्ट भी दी गई है, सस्पेंड कर दिया गया था एससी को, उस मामले में उनका क्या कुछ कहना है? तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनके संज्ञान में मामला है और मामला नहीं है, लेकिन इस तरीके का कोई भी मामला आएगा तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, और उन्होंने साफ कहा है चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे वो कोई भी शहर हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।